नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। मुजफ्फरपुर में AES से हुए मासूम बच्चों की मौत को लेकर के बिहार विधानसभा के सदन में जमकर बहस हुई है। एक तरफ जहां विपक्ष सवाल पूछता रहा तो दूसरी तरफ मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जवाब देते नजर आए। लेकिन इस दौरान एक दिलचस्प तस्वीर उस वक्त देखने को मिली। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना। जो चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगल पांडे का इस्तीफा मांग रहे हैं, इस तरह की खबरें मीडिया में गौंद रही थी। लेकिन इस बीच विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जब मंगल पांडे जवाब दे रहे थे विपक्ष के सवालों का, उस दौरान देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मंगल पांडे के सवालों पर विपक्ष हंगामा कर रहा था उस दौरान अचानक उठते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा सुन लीजिए, जो कह रहे हैं उसको सुन लीजिए। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, हम आपको ये तस्वीर बार बार दिखाना चाहेंगे। तो आप जो अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल मंगल पांडे जवाब दे रहे थे। वो बता रहे थे कि आखिरकार मुजफ्फरपुर में जो मासूम बच्चों की मौतें हुई हैं उसका कारण क्या है और सरकार उन मौतों को लेकर के किस तरह से सचेत हुई है, क्या कुछ आगे की रणनीति बनाई गई है, चमकी बुखार को लेकर के जो हाई लेवल मीटिंग्स चल रही थी उसमें क्या कुछ चल रहा है, वो सारा कुछ नोट जो है ना वो पढ़ रहे थे और पढ़ के वही विपक्ष को बता रहे थे। लेकिन इस दौरान विपक्ष सीरियस नहीं दिखा, विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, हंगामा भी होता रहा और उसी हंगामे से बचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और मंगल पांडे के लिए आग्रह करते हैं, विपक्ष से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इनको बोलने दीजिए। हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाएंगे। तो इस चर्चाओं के बीच, इन तरह की खबरों के बीच कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगल पांडे से इस्तीफा मांग रहे हैं, वो जबरन उन पर दबाव बना रहे हैं कि मंगल पांडे अपनी कुर्सी छोड़ दें, इन सभी खबरों को ये जो तस्वीर है ये खारिज करती है। क्योंकि मंगल पांडे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद प्रोटेक्ट किया है, विधानसभा की कार्रवाई में शायद वो बोल नहीं पाते उतने देर तक अगर मुख्यमंत्री खुद खड़े नहीं होते और विपक्ष से आग्रह नहीं करते कि उनको बोलने दिया जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद भी जवाब दिया है सदन में, विपक्ष के हर सवालों का जवाब दिया है और उन्होंने ये भी बात कही है कि मुझे तकलीफ हुई जब मैं मुजफ्फरपुर पहुंचा, SKMCH अस्पताल में पहुंचा, वहां का हाल देखा तो मुझे तकलीफ हुई और अंदर से मेरे ख्याल आया कि मुझे यहां पर और पहले आना चाहिए था और यहां पे जो हालात बन रहे थे, जो हालात बिगड़ते चले गए, उन सभी हालातों पर पहले से नज़र डालना चाहिए था। CM नीतीश कुमार बहुत कुछ बोले हैं विधानसभा में जब कार्रवाई हो रही थी, उसके बाद उन्होंने विपक्ष से आग्रह भी किया है कि आप हमारी बातों को समझिए और जो नोट स्वास्थ्य मंत्री पढ़ रहे थे उस नोट को जब आप इत्मीनान से पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कुछ कर रहे हैं और अगर उसमें कोई खामी दिखाई दे तो आप सत्ता पक्ष को यानी मुझे जरूर बताइए और अपना फीडबैक दीजिए कि और हमें क्या कुछ आगे करना चाहिए। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।